हरिम छात्रजा सहजनाथनित सजीव सात्वैतं सावधूतं परिजन सहित कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगन ललिता श्री विशाखानिता ओम ज्ञानतिमिरांध्यस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः नामयं गुरुदेवाय धीमते सममूर्ते श्री श्रीमद्भक्ति श्रीरूप सिद्धान्ति प्रभु विष्णु महात्मने नामयं विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायणेति नामिनि श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्ष औदार्य माधुर्य गुणैः युक्तं वरं वरेण्यं पुरुष महान्तं नारायणं स्तं शिरसा नमामि नामयं विष्णुपादाय आचार्य सिंह रूपिणे श्री श्रीमद्भक्ति प्रज्ञान केशवैति नामिने नामयं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने श्री वार्षभानवि देवी दयिताय कृपाद्वये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः माधुर्य जल प्रेमाद श्री रूपानुग भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्तुते नमस्ते गौरवाणी श्री मूर्तये दिनतारिणे श्री रूपानुग विरुधाव सिद्धांत दंतहारिणे नमो गौरवीश्वराय साक्षात वैराग्य मूर्तये विप्रलंबर सांबदे पादंबुजाय ते नमः नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगवराय ते गौरावृभावमिष्टं निर्दिष्टाय स्वजन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः वृन्दाय तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रजदेवी सत्यवत्यै नमो नमः जयतां श्रुतरूपङ्गुर् मम मंदमतिर्गति मत्सर्वस्वपादंभुजो श्रीराधा मदन मोहनो दिव्यद वृंदारण्यकल्पद्रुमाधव श्रीमद् रत्नाकर सिंहासनस्थो श्री श्री राधा श्रील गोविंद देव पृष्ठलिभिर्शिवमान स्मरामि श्रीमान रासरसारम्भे वंशी भाटतटस्थित कर्षण वेणुस्वनिर्गोपी गोपीनाथ श्रीअस्तु न श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 दवा नारा सं संसार धारी दर्द जीवा कुला उधर धारी करुणा पारिता कृपा पारिता ने बंदे से गुरु चरण कमल नित्य दीदा वाद्य श्री हरि कीर्तने रहे नमः धना
Thank you.
जने कोन महाजन
अतिश देखिया कहे हमारे जानी की बोले तुम्हारा धाम थे हरे नो सरना गाता।
Jai 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 Jai
अध्याय भागवत का 216 Oh,
ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय स्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरोत्तुसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वृंदाय तुलसी देवै प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्यवतै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वसदि गौर भक्त वृंद बल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम। सर्वप्रथम मेरे गुरु पाद पद्म निखिलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोदर सत्य श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु पाद पद्म निखिलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोदर सत्य श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों को यथाजुग प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। कथकले हम लोग श्रवण कर रहे थे जब श्री परीक्षित महाराज को श्रृंगेरी ऋषि ने अभिशाप दिए। इन्होंने श्री गंगा किनारा में स्थान का नाम क्या है मुजफ्फरनगर सुकरताल इसलिए सुकरताल में श्री गंगा को उन्होंने आश्रय लिए। पहले गंगा को उन्होंने क्यों आश्रय लिए? जो गंगा है ये भगवान की चरणामृत और भगवान की चरणामृत और चरण में कोई फर्क नहीं। इसलिए श्री ब्रह्मा जी ब्रह्म स्तुति में कहते हैं अंगानी जस्य सकलेन्द्रिय वृद्धिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजम। इसलिए भगवान का जो हाथ है वो कान का काम कर सकता है, कान आंखों का काम कर सकता है, आंख हाथ का काम कर सकता है, हाथ पैर की काम कर सकता है। कहते भगवान की जितने सारे अंग है वो सारे काम करने में समर्थ है। इसलिए यहाँ पर उदाहरण देते हैं इस श्लोक कोटेशन कर। इसलिए यहाँ पर उदाहरण देते हैं भगवान के सारे अंग का काम कर सकता है। इसलिए ठाकुर का जो चरणामृत है वो अभिन्न श्री चरण है। और गंगा कौन है? कहते गंगा कैसे प्रकट हुई? बोले कभी भगवान ने अपना राग और रागिणी को उन्होंने श्रवण किया, अपना राग को सुने, भजन को सुने, भजन सुने तो भगवान के शरीर में जो प्रेम प्रकट हुआ और प्रेम से भगवान के शरीर से जो स्वेद प्रकट हुई, जो पसीना प्रकट हुई, किंतु वो पसीना ही ये गंगा जल है। इसलिए भगवान की प्रेम ही द्रवीभूत होकर के श्री गंगा रूप में ये प्रकटित है। इसलिए उन्होंने श्री गंगा किनारा में उन्होंने गंगा को ठाकुर जी के चरण को उन्होंने आश्रय ग्रहण किया। तो उन्होंने अभिशाप को क्यों ग्रहण किया? कारण क्या है? बोले कारण यही था अभिशाप ग्रहण करने का
कहते इसको निमित्त करके भगवान की कथा हमें सुनने को मिलेगा है। नहीं तो श्री परीक्षित महाराज अभिशाप को टाल सकते थे, लेकिन उन्होंने टाला नहीं, अभिशाप को उन्होंने स्वीकार कर लिया। लोग डरते हैं क्यों, अभिशाप से क्यों डरते हैं, कारण है वो सोचते हैं अरे अभिशाप मिलेगा तो हम तो विषय भोग नहीं कर सकते, संसार का विषय भोग हम नहीं कर सकते, इसलिए साधारण लोग ये अभिशाप से डरते हैं। लेकिन इन्होंने कृपा स्वयं इन्होंने अभिशाप को उन्होंने ग्रहण कर लिया। अभिशाप को उन्होंने ग्रहण करते हुए जिस समय वहां पर सबके सब मुनि वहां पर उपस्थित हुए, तो उन्होंने उसी समय में कहते सारे मुनियों के चरण में प्रार्थना किया है। क्या प्रार्थना किया, आप लोग कृपा करके बताइए मेरा कल्याण कैसे होगा, हमारे मंगल कैसे होगा, उन्होंने ऋषि मुनियों से प्रार्थना किया। तो यहाँ पर श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यहाँ टीका में कहते हैं, प्रभुपाद जी यहाँ पर कृपा कहते हैं, उन्होंने प्रार्थना किया कैसे मेरे को साधु संग प्राप्त हो है। इसका मतलब है सभी की चरण से हमें भक्ति की प्रार्थना कर लेनी चाहिए, सभी से हमें भक्ति की प्रार्थना करनी चाहिए। कहते ब्राह्मण सकल करी कृपा मोर प्रति है, कहते वैष्णव चरण मोर देह दृढ़ मति, कहते वैष्णव का चरण में कृपा प्रार्थना करते क्या, वैष्णव चरण मोरे देह दृढ़ मति, हे वैष्णव ठाकुर आप कृपा करके वैष्णव का चरण में हमें भक्ति प्रदान करो, दृढ़ मति प्रदान करो। जैसे यहाँ कहते मुकुंद माला में बताए बल्द मत जन्मनः फल मिदम मधुकैटभारे मत प्रार्थनीय मत अनुग्रह लोकनाथ। इसलिए क्या कहते हैं, कहते मन मत जन्मनः फल मिदम मधुकैटभारे, बोले प्रभु मेरा जन्म का लेने का फल क्या है, क्या फल है, बोले लोकनाथ हमें आपका सेवक का सेवक रूप में हमें स्वीकार कर लो, हमें ग्रहण करो। दूसरा उदाहरण देते हैं, जैसे ब्रज गोपियां कात्यायनी की पूजा की, पूजा करके उनसे क्या प्रार्थना की, बोले कात्यायनी महामाये महायोगी नदेश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति मे कुरुते नम। जैसे ब्रज गोपियां कात्यायनी को पूजा करके हे महामाई हे महायोगिन हे अधीश्वरी तुम तो अघटन घटन पटे से कर सकते हो, हे को नहीं नहीं को तो हे कर सकते हो, इसलिए अगर हमारे ऊपर में आप कृपा करना चाहते हो नंद गोप सुतम देवी है, नंद गोप का जो बेटा श्री कृष्ण पति में पुरुते नम हमारे तुम पति बना दो, हमारे पति बना दो। जैसे उनको चरण उन्होंने कृष्ण भक्ति को उन्होंने प्रार्थना की है। और श्री सनातन गोस्वामी है, श्री सनातन गोस्वामी कहते संकल्प कल्पद्रुम ग्रंथ में श्री गोपीश्वर महादेव से क्या प्रार्थना करते हैं, बोले श्रीमात गोपीश्वरम वंदे शंकरम करुणामयम सर्व क्लेश हरं देवम वृंदारण्यं प्रतिप्रदम वृंदावनामनि पते जय सोम सोम मौले सनातन सनंदन नारभृट्ठ गोपेश्वर ब्रज विलास युगांग्रि पद्मे प्रेम प्रज नितराम निरुपाधिकम। कहिए सनातन गोस्वामी श्री गोपीश्वर महादेव से प्रार्थना करते हैं, हे गोपीश्वर महादेव आप कृपा करके हमें क्या करो, ब्रज में जो विलास करते हैं श्री जुगल सरकार हैं उनके चरण में हमें आहे तो भी हमें प्रेम का प्रदान कर। इसलिए यहाँ पर उदाहरण देकर कहते हैं जितने सब देवादेवी सबके सब भगवान की भक्त हैं, इसलिए उनसे क्या प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान की भक्ति प्रार्थना करनी चाहिए, भगवत प्रेम को हमें प्रार्थना करनी चाहिए। इसलिए यहाँ पर श्री परीक्षित महाराज वहां पर जितने 88,000 जो ऋषि लोग थे सबसे प्रार्थना कर रहे हैं,
आप कृपा करके हमें कृष्ण भक्ति प्रदान करो और वैष्णव का चरण में हमें दृढ़ भक्ति प्रदान करो। सबसे वो प्रार्थना करते ही हाँ, इसलिए कहते कि जो जो साधु लोग परीक्षित महाराज कह रहे हैं, ये जो साधु लोग आज हमें 88,000 साधुओं का दर्शन हो रहे हैं, ये साधु लोग का आगमन क्यों होता है, साधु लोग क्यों आते हैं, हाँ, हमारे जगत का कल्याण करने वाले। इसलिए यहाँ पर कहते हैं महान तो स्वभाव ही बोलो तारिते पामर निज कार्य नहीं तब जान कारगर। कहते ये जो श्लोक है, जिस समय श्री गर्गाचार्य श्री नंद बाबा को घर में आए, उन्होंने क्या बोले, बोले महात विचलनाम नृणाम गृहिणाम दीन चेतसाम निस्रसाय भगवान अन्नथा कल्पते कुचित। इसका मतलब है जो महान साधु लोग दिखाई पड़ता है, जैसे गृहस्थों को घर में जाते हैं, क्यों जाते हैं गृहस्थों के घर में, कारण क्या है, बोले कारण यही है महान तो स्वभाव यही तारते पामर, इनका जो स्वभाव है पामरों को पापियों को उद्धार करने के लिए ही जाते हैं, निज कार्य नहीं, अपना कोई कार्य काम नहीं है, तब वो जानतार घर तभी उपजाचक रूप में अपने आप क्या करते हैं गृहस्थों घर में जाते हैं, जा करके क्या करते हैं भगवत भक्ति की उनको उपदेश प्रदान करते हैं। इसलिए जैसे श्रीमन महाप्रभु हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु का आदेश दिया, क्या आदेश दिया, सुना सुना नित्यानंद सुना हरिदास हमार आज्ञा सर्वत्र करह प्रकाश, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश और अमर आज्ञा गुरु हैया तारा एदेश। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं जैसे को दोनों को भेजे घर घर जाओ दरवाजे दरवाजे पर जाओ, जाकर क्या मांगो झोली फैला करके सबसे भिक्षा मांगो, हैं क्या भिक्षा मांगो, बोलो कृष्ण भज कृष्ण कर कृष्ण सिखा। इसलिए सबको कृष्ण भक्ति के उपदेश प्रदान करो। यहाँ पर प्रभुपाद यहाँ पर कहते हैं, उसका जो टीका में कहते हैं कि उसी तरह परीक्षित महाराज कह रहे हैं आज यहाँ पर जो इतने साधु लोग क्यों आए हैं, कहते मेरे ऊपर भी सबके सब कृपा करने के लिए हमें कृष्ण भक्ति प्रदान करने के लिए उन्होंने यहाँ पर आए हैं। क्या उद्धव की क्या उपदेश देते हैं, बोले कृष्ण संसार कर जीवे दया कृष्ण नाम सर्व धर्म सार। ये कहते कृष्ण रे संसार करो छाड़ी अनाचार। साधु लोग उपदेश क्या देते हैं, संसार करो, लेकिन किस चीज के संसार करो, कृष्ण का संसार करो, भगवान की संसार करो, अपना परिवार को क्या समझो, हम सब के सब पति भी भगवान का दास, हम भी उनकी दासी, बेटा भी उनका इस भक्त है, बच्चे हम सब के सब परिवार किसके भगवान की संतान है। इसलिए हमारे जो संसार है हम भी तो ये संसार ही है ना, हम लोग संसार में जो काम करते हम भी वही करते, दिन भर रोसी बनाओ भूख लगाओ प्रसाद पाओ मंदिर साफ करो बर्तन साफ करो कीर्तन करो, दिन भर तो हम यही करते हैं, हम लोग का छोटा संसार हमारा बड़ा संसार है। इसलिए कहते संसार करो, लेकिन कृष्ण का संसार करो, भगवान की संसार करो, छाड़ी अनाचार, सारे अनाचार को छोड़ करके हैं असत आचार को छोड़ करके कृष्ण की संसार करो, बोले जीवे दया कृष्ण नाम सर्व धर्म सार। इसलिए क्या करो, जीव को पर में दया करो, बोले क्या देकर, बोले जीवे दया कृष्ण नाम, जीव का कृष्ण का नाम देकर के जीव को पर में कृपा करो। कहते भारत भूमि तो है ये है मानव जन्मदार जीवन सार्थक कर कर परोपकार, जिनको ये भारत भूमि में जिनको ये मानव शरीर मिला है, हैं भारत भूमि ते है मानव जन्मजात जिसका मानव शरीर हुआ, क्या करो जीवन सार्थक कर कर परोपकार, स्वयं अपना जीवन को सार्थक बनाओ, मतलब स्वयं अपना जीवन में भगवान की भक्ति करो और दूसरों का भी उपकार करो, हैं जीवन सार्थक करी करो परोपकार, अपना जीवन को भी सार्थक बनाओ दूसरा जीवन को भी सार्थक बनाओ, मतलब खुद भी भजन करो और दूसरों को भी भगवान की भक्ति की
उपदेश प्रदान करो। इसलिए यहाँ पर श्री प्रभुपाद ने ये टीका इस सारे बात को प्रभुपाद यहाँ पर कह रहे हैं। इसलिए इन्होंने जितने सारे ऋषि मुनि लोग थे सारे ऋषियों को दर्शन करते हुए बोले आज तो मेरा जीवन धन्य हो गया है, इतने साधुओं को दर्शन करते हुए आप लोग सबके सब मेरे को कृष्ण भक्ति प्राप्ति करने की आशीर्वाद दो सबके सब। तो उन्होंने वहां पर जब उन्होंने प्रश्न किए इसको देख करके आकाश में जितने देवता लोग थे ना सबके सब पुष्पों की बौछार किए, दुंदुभी बजाए, क्यों आज इतने साधुओं का दर्शन और परिगत महाराज को निमित्त बना करके ये श्रीमद भागवत ग्रंथ प्रकट होने वाले। तब श्री परिगत महाराज ने सबको उन्हें यथाजोग्य उन्होंने प्रणाम किया। सबको प्रणाम करते हुए उन्होंने प्रश्न करते हैं बोले जीव का एकांतिक कर्तव्य क्या है, जीव का एकांतिक कर्तव्य क्या है और मुमुक्ष विषय कहते मुमुक्ष व्यक्ति, मुमुक्ष मतलब क्या है, अभी जो मरने वाले हैं, जो मरने वाले व्यक्ति का क्या कर्तव्य है। सबको एक दिन मरना पड़ेगा, आज हो कल हो परसों हो और वर्षों हो, सबको एक दिन मरना ही है सबको। जो ऐसे व्यक्ति का क्या कर्तव्य है आप कृपा करके आप लोग हमें कृपा करके बताओ। जब हमने मुमुक्षु का कारण बताया, एक बार बताया था मुक्ति मतलब कि जो अपना कल्याण चाहते हैं उस व्यक्ति का क्या कर्तव्य है। हाँ, मरने से पहले हाँ, इसलिए कहते हैं मुमुक्षु व्यक्ति का कर्तव्य संबंध में प्रश्न किया, जीव का एकांतिक कर्तव्य किया, जीव का एकांतिक कर्तव्य किया है। इसलिए जब उन्होंने ये प्रश्न किया है ना, ये प्रश्न सुन करके कहते नासो मुनि ऋषयः भवतः न भिन्नः, वहां पर जितने मुनि ऋषि लोग थे ना वो सबके सब अलग अलग बात करने लग गए। कोई कहते हैं यज्ञ करो, कोई कहते हैं तपस्या करो, कोई कहते हैं दान करो, कोई कहते हैं ध्यान करो, कोई कहते हैं जप करो, हैं। इसलिए वहां के सब जितने लोग थे सबके सब अलग 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 बात कर रहे थे। जब अलग अलग बात कर रहे थे अभी परीक्षित महाराज सोच रहे हैं ये लोग तो सबके सब बैठ करके शास्त्रार्थ आपस में शास्त्र का करे, एक व्यक्ति एक बात बोलने पर दूसरा व्यक्ति उसको खंडन करते हुए दूसरी बात बोलता है, तीसरा व्यक्ति फिर उनकी बात को खंडन करते हुए तीसरा बात बोलता है। अभी आपस में वहां पर हैं चर्चा करने लगे वास्तव रूप में जीव का परम कर्तव्य क्या है, जीव का एकांतिक श्रेय मतलब जो लाभ होने पर कभी नुकसान होने वाले नहीं, बात जो वस्तु को प्राप्त करने पर जगत में उससे बड़ा वस्तु जगत में कुछ है नहीं, जिसको प्राप्त करने पर जीव के हृदय में और कोई वस्तु की इच्छा नहीं रह जाए, इसका मतलब है। वहां पर अलग 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 सब बात करने लग गए। जब आपस में चर्चा कर रहे थे अभी परीक्षित महाराज सोच रहे हैं मेरे पास में कितना दिन है, केवल 7 दिन है, लेकिन ये तो कहते का वर्षा जब कृषि सूखा है, का वर्षा जब कृषि सूखा है, अगर कृषि अगर सूखी गया उसके बाद बारिश हुई वो बारिश का क्या महत्व है, वो समय रहते हुए तो बारिश होनी चाहिए तभी तो काम होगा। मेरे पास में कुल 7 दिन ये तो शास्त्रार्थ में लग रहे सबके सब, लेकिन लगने पर भी इस सबके जितने सारे शास्त्र है अगर सारे शास्त्र को तत्वतः अगर कोई विचार करेगा तो लास्ट में फल क्या निकलेगा, फल एक ही निकलेगा, स्वतव्यम कृतिस्तवस्तम स्मर्तव्यम इच्छताभय। अगर कोई अभय को पाना चाहते हैं भगवान कथा ही श्रवण करो, भगवान का कथा ही कीर्तन करो और भगवान का ही स्मरण करो, यद्यपि सार यही निकलेगा मक्खन यही निकलेगा लेकिन कहा वर्षा सब कृषि सुखाए। अभी सबके सब सोचने लग गए, परीक्षित महाराज सोचने लग गए, सोचते हुए फिर उन्होंने एकांत रूप में हृदय से उन्होंने भगवान को स्मरण किया बोले हे प्रभु आप ही मुझे मातृ गर्भ में दर्शन दिया था आप, इसलिए अभी मेरी अंतिम समय है, मेरे मन तक केवल एक ही इच्छा मन में केवल आपकी कथा सुनते सुनते ये भागवत कथा सुनते सुनते मेरे जीवन जैसे बीत जाए, मेरे मन में और कोई इच्छा नहीं, इसलिए आप अंतिम समय में इतना ही कृपा करो जैसे हमें भगवत कथा श्रवण करने को मिले। जब उन्होंने स्मरण किया इतने में
भगवत इच्छा से श्री सुखदेव गोस्वामी प्रकट होते हैं। बोले श्री सुखदेव महाराज की जय। बोले श्री सुखदेव गोस्वामी की जय। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी प्रकट होंगे। बोले तत्र भवत भगवान व्यास पुत्र यदृच्छया मटमान अनपेक्ष अलक्ष लिंग निज लाभ तुष्ट वृतश्च बलैरवधूत वेश। इस श्लोक को याद कर लेना सब। और एक श्लोक है, तम दुष्ट वर्षम सुकुमार पादम करुवाहम सकुपोल गात्रम शर्वायताक्षण सतुल्य कर्णम सुभ्रू पाणम कम्ब सुजात कंठम। ये दो श्लोक याद है, दो श्लोकों को याद कर लेना। श्री सुखदेव गोस्वामी देखने में कैसे, कितने सुंदर श्री सुखदेव गोस्वामी, क्योंकि कहते सुखदेव गोस्वामी कौन है, कहते प्रिया सुख श्री वृषभानुजाई की। जो श्लोक को यहाँ पर लगा सकते हो, ये प्रिया सुख श्री वृषभानुजाया पवित्र चंचो प्रिय चंबनेना एकांत कनन रहस्य पाठी निकुंज प्रसाद सवानुवासी। और एक श्लोक है, गारहनुराग भर निर्भर भंगुराया कृष्ण इति नाम मधुरम मृदुपाठयन्तम् भीगमाम अधन्न चंचल जाति दोषा यह राधा करार। ये गारहनुराग, ये श्लोक बहुत बढ़िया श्लोक है। वो कैसे कह रहे हैं, मैंने कहा राधा रानी की कृपा से, कहा मैंने भगवान राधा रानी के निकुंज में कहा निवास कर रहा था है? लेकिन अपना चंचल जाति दोष से कहां से राधा रानी से कहां मैं अलग हो गया। बहुत अच्छा श्लोक है, ये श्लोक भी याद कर लेना है। ये श्लोक बहुत अच्छा श्लोक है श्री सुखदेव गोस्वामी की संबंध में। यहाँ पर जब उन्होंने हृदय से उन्हें स्मरण किया था भगवत इच्छा से, माना श्री भगवान ही ये सुखदेव गोस्वामी रूप में जगत में यहाँ पर प्रकट हुए। जब प्रकट हुए क्या सुंदर देखने में रूप, सूत पति जैसे नाक, देखने में कृष्ण जैसे सुंदरता है ना। यहाँ पर वर्णना करते हैं कि कितना उम्र के, दुष्ट वर्षम मतलब कितना, 16 साल के हैं। बोले सुकुमार पादम सुंदर उनके चरण हैं, इसलिए उनका सुंदर कपल है, शरीर इनकी अद्भुत सुंदर है, इसलिए बड़े कमल नेत्र जैसे इनके, कमल जैसे नेत्र जैसे इनके आग हैं, बड़े सुंदर रूप देखने में कृष्ण जैसे जैसे रूप था। इसलिए जब श्री सुखदेव गोस्वामी जा रहे थे वो तो एकदम कृष्ण प्रेम में, कभी हंस रहे हैं कभी नाच रहे हैं कभी गा रहे हैं, कृष्ण प्रेम उन्माद है। लेकिन साधारण लोग बच्चे उसको क्या समझ रहे थे, ये कोई पागल है। इसलिए बच्चे कोई उनको बड़े धूल झोंक रहे थे हैं, उनको पीछे 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 लोग चल रहे थे, स्त्रियां आकर जिनके रूप देख देख पागली बन रही थी। बोले देखने में क्या अद्भुत, जैसे कंदर्व जैसे रूप है, लेकिन लगता है जैसे पागल जैसे दिखता है। ऐसे करते करते श्री सुखदेव गोस्वामी जब आ रहे थे, लेकिन कहते जौहरी जौहरी चेने कहते ना, जौहरी सोने को कौन पहचान सकते, जौहरी पहचान सकते जौहरी। इसलिए कहते सुखदेव गोस्वामी की शरीर में जो दिव्य लक्षण है, अष्ट साथी के प्रेम है, श्वेत कंप अश्रु पुलक वैवर्ण स्तंभ विपथु, ये जो आठ जो प्रेम का लक्षण है, इनके शरीर में सारे प्रेम का लक्षण दिख रहा था। इसलिए जब सुखदेव गोस्वामी जहाँ पर 88,000 जहाँ पर ऋषि लोग बैठे हुए थे, जब उन्होंने प्रवेश उन्होंने किया, वो ऋषि लोग देख करके समझ गए परीक्षित महाराज का जो यथार्थ उत्तर है यही प्रदान करेगा। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी वहां पर पहुंचते हुए वहां पर उनको पिताजी सबके सब बोल पड़ते, लेकिन उन्होंने सबको उन्होंने जथा जगह उन्होंने सबको उन्होंने प्रणाम किया, क्योंकि ये वैष्णवता है। ऐसे नहीं है हम बढ़िया कथा कर सकते हैं, इसलिए गए तो किसी को आदर जत्र नहीं, प्रणाम नहीं, जाकर सीधा बैठ जाओ, नहीं। क्या नियम है, अपना गुरुजन को जाकर के सबसे पहले ये वैष्णवता है, बड़ों का आशीर्वाद लेने पर ही हृदय में भगवत भक्ति हृदय में तभी आती है। इसलिए जिस वृक्ष में जितना फल होगा उतना ही वो नीचा हो जाएगा, सर कभी ऊंचा नहीं होगा। इसलिए सबको यथा योग्य उन्होंने सम्मान दिए, सबको प्रणाम किए, प्रणाम करते हुए उन्होंने
आसन को उनने अलग करके किया। जब उनने अलग करके आसन को किया, इतने में वहां पर श्री परीक्षित महाराज तो प्रश्न की झड़ी लगा दी, प्रश्न की उन्होंने झड़ी लगा दी। उन्होंने बोले क्या, बोले अतः पृच्छामि, इस श्लोक को याद करें, अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरु पुरुषस्य यत् कर्तव्य मृगमाणस्य सर्वथा। कहते अतः पृच्छामि संसिद्धिं, इसलिए हे श्री सुखदेव गोस्वामी आप कृपा करके ये बताओ, पृच्छामि संसिद्धिं, संसिद्धिं मतलब जिसको प्राप्त करने पर जीव के हृदय में सारी कामना वासना पूरी हो जाए, और जिसको प्राप्त करने पर कहते जम लब्धात चापर लाभम मन्यते अधिकम तत्, जिसको प्राप्त करने पर जीव को ये नहीं लगे इससे कोई श्रेष्ठ वस्तु हो सकता है, उसको ये लगे जैसे जीवन में हम पूर्ण हैं। इसलिए योगी नाम परमम गुरु, कहते योगियों में जो पर श्रेष्ठ जो गुरुदेव है पुरुषस्य जत कर्तव्य, पुरुष मात्र का कर्तव्य किया है, अम्रिय मानस सर्वथा, जो हर समय मरणशील व्यक्ति है, हर समय हम मरण का तरफ में जा रहे हैं, म्रिय मानस सर्वथा, इसलिए आप कृपा करके बताओ। बोले जत स्वर्तव्यम अथ जप्यम, के दो श्लोक लिख लो, जत स्वर्तव्यम अथ जप्यम, उसको बाद में देख कर, जत कर्तव्यम नृभि प्रभु स्मर्तव्यम भजनीयम बा ब्रूहि जत बा विपर्जय। उनने सारे प्रश्न उन्होंने किया है, जीव का कर्तव्य क्या है, क्या जप करनी चाहिए है, इसलिए क्या सुननी चाहिए, क्या स्मरण करनी चाहिए, क्या भजन करनी चाहिए है, इसलिए स्मर्तव्य भजन जतवा विपर्जय, और क्या हमें नहीं करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए, सब कुछ उन्होंने दो श्लोक में उन्होंने सारे प्रश्न कर दिया। जब उन्होंने सारे प्रश्न की, तब श्री सुखदेव गोस्वामी कह रहे, बोले परीक्षित क्या कर रहे हो, जैसे आपका घर में कोई आएगा ना, अब क्या कर रहे, सबसे पहले उनको चरण धोओगे, पानी पिलाओगे, बैठाओगे, आदर सत्कार करोगे, फिर जाकर के प्रश्न करोगे, भैया आप किस लिए आए, ऐसे नहीं आते ही, क्या बात है किस लिए आए, ऐसे कोई प्रश्न करते हैं क्या, आए किस लिए आए, क्या बात है किस लिए आए हैं, इसलिए शिष्टाचार ये नहीं। इन्होंने बोले अभी मेरे पसीना भी नहीं सूखा, अभी शरीर का हाँ पसीना भी शरीर सूखा नहीं, अब तुम तो पूरा प्रश्न की झड़ी लगा दी है, किस लिए प्रश्न का झड़ी लगा दी। तब यहाँ पर श्री परीक्षित महाराज कहते हैं, बोले हे सुखदेव गोस्वामी हमें पता है आपके जैसे शरीर के जो संतल हो गए, एक गृहस्थी घर में कितना समय तक टिकते हो, एक को दोहन करने में जितने समय लगता है उतना समय से ज्यादा समय आप नहीं टिकते हो, मेरे को पता, अब आए भगवत इच्छा से अभी चले पड़ गए, इसलिए आपको इसलिए मैंने प्रश्न किया, ये प्रश्न से आपको मैंने बांध दिया है, जब तक आए प्रश्न का आप उत्तर नहीं दोगे तब तक यहाँ से आप नहीं जाओगे, इसलिए मैंने ये प्रश्न करके आप मैंने बांध दिया, अभी आप आराम से ही उत्तर देते रहो, आराम से उत्तर देते रहो। जब उन्होंने ये प्रश्न की, इतने में श्री सुखदेव गोस्वामी ने ध्यान लगाया, अभी उत्तर देंगे ना, जो उन्होंने ध्यान लगाया इनका प्रश्न का हम उत्तर क्या दे, जब उन्होंने ध्यान लगाए, बाद ध्यान लगाते ही ये प्रथम स्कंद समाप्त हो गया, ध्यान लगाते ही प्रथम स्कंद समाप्त हो गया, अभी इसको बाद में द्वितीय स्कंद की प्रारंभ होगी, यही तक ही प्रथम स्कंद है। सबसे कहते जैसे कोई उदाहरण देते, जैसे कोई बिल्डिंग खड़ी करे ना, उसका नीम जितना मजबूत होगा वो बिल्डिंग उतना बढ़िया जितने ऊपर में बना सकते हो, इसलिए ये भगवान की चरण है, प्रथम स्कंद पादो जद्य प्रथम द्वितीय, इसलिए कहते ये भगवान की ये चरण है, भक्तों का आश्रय क्या है, चरण की आश्रय है, इसलिए प्रथम स्कंद बड़ा इम्पोर्टेंट कथा प्रथम स्कंद की, इसलिए इसमें और एक श्लोक है, बोले जसाम संस्मरणात पुंसाम, उसके बाद में शुद्ध बद्धति जागृतिम, एक श्लोक है,
इसको भी थोड़ी सी हिंट वहां तुम लोग लिख लेना श्लोकों को, बोले जैसा संस्मरात पुंसाम शुद्धि पद्धति, मेरे ठीक से याद नहीं है श्लोक को, तुम लोगों ने वहां से ये कोटेड कर लेना भागवत से, बोले जिसको केवल स्मरण मात्र से ही जीव पवित्र हो जाते हैं, मतलब किसको, संतों को स्मरण करने का मात्र से ही, कहते ना दर्शन पवित्र करो एक मार्ग, ये श्लोक में ये बात को ये श्लोक में बता रही, इस श्लोक को भी तुम लोग कोटेशन कर देना और उसको भी याद कर लेना, ठीक है। इसको बंद कर दो अभी, कौन सुनाएगा, कल मैंने जो कथा सुनाया था कल सुना ना, परसों कल को कौन सुनाएगा, हाथ उठाओ तुम सुनाओगे।